हर साल देश भर में 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उसी श्रृंखला में राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालकर महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई। गौरतलब है कि आज के दिन यानी 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के मेवाड़ में हुआ था। हर साल देश भर में महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस साल महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने अपने जीवन काल में कई युद्धों में मुगलों को हार की धूल चटाई। महाराणा प्रताप मेवाड़ के वीर योद्धा के साथ ही शौर्य, पराक्रम और साहस के लिए भी जाने जाते हैं। महाराणा प्रताप की अनंत कहानियां इतिहास के पन्नों पर अंकित है, जिसके चलते हर साल क्षत्रिय समाज द्वारा यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। उसी श्रृंखला में राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालकर महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई, जहाँ इस शोभा यात्रा की शुरुआत सीए रोड से हुई तो समापन श्री छापरू सर्वोदय मंडल भवन जनता हॉल छापरू नगर में हुआ, जहां बड़ी संख्या में राजपूत भाइयों ने शिरकत की। वही क्षत्रानियों की वीर संस्कृति को जीवित रखते हुए सभी महिला मंडल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां के जीवंत उत्साह का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में शहर के सीए रोड के ऊपर में सकल ठाकुर समाज की ओर से महाराणा प्रताप जयंती के भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत हम यहाँ पर आए हैं। काफी कुछ महिलाओं ने अलग अलग परिधान किया हुआ है, जहाँ पुरुषों ने फेटा बांधकर भी अलग अलग परिधान किया हुआ। तो आज जानने की कोशिश करते कि किस तरीके से इसकी तैयारियां चल रही थी, कब से तैयारियां चल रही थी और क्या एक महत्व मानते हैं ठाकुर समाज की और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में। हम क्या बताएंगे किस तरीके का आयोजन किया गया है, कब से तैयारियां चल रही थी? ये बहुत समय से हम लोग प्लान कर रहे थे, तो आज ये एग्जीक्यूट हो पाया है और इसमें सभी का सहयोग है। पूरा ठाकुर समाज एक साथ आया है और आज जैसे कि मैं बहुत खुशी से बता सकती हूँ, महाराणा प्रताप जयंती के लिए एक संगठन और एक साथ हम लोग हो चुके हैं। हम लोग ने जैसे आप देख सकते हैं कि क्षत्रानियों का वेशभूषा पहनी है और जेंट्स ने राजपूताना पोशाक पहनी है और हम सब बहुत एक्साइटेड है, बहुत खुश है और बहुत सारा उत्साह है सभी में, क्योंकि ये नागपुर में पहली बार महाराणा प्रताप की रैली निकल रही है। जिस तरीके से महिलाओं ने बताया कि काफी दिनों से उत्साह से तैयारियां कर रही थी, उसी प्रकार जानते हैं कि पुरुषों का भी अंदर में किस तरीके से उत्साह का वातावरण था, क्या बताएंगे किस तरीके से उत्साह का वातावरण था, कब से तैयारियां चल रही? सर्वप्रथम मैं सारे बांधवों को, राजपूत बांधवों को आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाइयां देना चाहूंगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम कि हम उस वंचित के वंश है जिन्होंने शूरवीर जिनको कहा जाता था, और हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं इस बारे में कि हम उस वंश के वंशज है जिस वंश में लड़ाके और राजपूत हुआ करते थे। दोस्तों ये कई यानी तीन चार महीनों की नियर अबाउट ये तीन चार महीने पहले से ये प्लानिंग चल रहा था कि इस तरीके का कोई आयोजन किया जाए, क्योंकि क्या होता है जनरली हर समाज में हर तरीके का एक अपने आराध्य को लेकर एक रैली निकलती है, तो हमारे मन में भी ये आया था कि एक बार हम भी इस चीज की पहल करें और एक छोटी सी उपज दिमाग में कि भाई चलो कुछ किया जाए। आज दोस्तों आप देख रहे हो उस छोटी सी उपज में आज इतना बड़ा रूप लिया है और काफी हर्षोल्लास में आज ये हम लोग महाराणा प्रताप की जयंती मनाने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आप अभी भी कई लोगों से ये निवेदन करूंगा कि वो भी आए और इस समाज से जुड़े और ऐसे ही समाज की मदद करने में आगे हमारी मदद करें। ये जो इसका आयोजन किया गया है कहाँ से निकलने वाली है, किस तरीके से इसका प्रायोजन किया गया है, क्या पूरी जानकारी? दोस्तों ये जो हमारी जो रैली है ये शारदा चौक गांधीबाग से निकलने वाली है, ये वाया सीए रोड होते हुए ये फुलवानी हॉल जिसे जनता हॉल भी कहा जाता है छापरू नगर चौक पे इसका समापन होगा। वहां पे एक हॉल में विविध कार्यक्रम, बच्चों के छोटे मोटे कार्यक्रम रखे गए और जैसे एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन बच्चों का जिसका थीम है राजपूताना या शूरवीर, जैसे झांसी की रानी, महाराणा प्रताप जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, इन सब की थीम पर एक फैशन शो टाइप का आयोजन किया गया है और विविध महिलाओं के कार्यक्रम रखे गए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी साली महिला बंधु भगिनी इन लोगों ने काफी मेहनत की है। और ये रैली दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद छापरू नगर स्क्वायर पे जो जनता हॉल है वहाँ समापन। तो हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं में और पुरुषों में एक जोश है महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में,
तो मैं अखिलेश भारद्वाज, 3BC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ अखिलेश भारद्वाज।